वीरों की भूमि राजस्थान का भटनेर किला। राजस्थान अपने किलों एवं दुर्गों के लिए विख्यात हैं। राज्य के हर कोने की वीरता की बखान करते ये किले बहुत से इतिहास और रहस्य अपने में समाये हुए हैं। ऐसा ही एक किला भटनेर का किला है, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में है। भटनेर दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहां से मुस्लिम महिलाओं के भी जौहर के प्रमाण मिलते हैं। इस किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। अकबर से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ने भटनेर किले को अपने नियंत्रण में रखा था। भारत के प्राचीनतम किलों में शुमार भटनेर का यह किला तकरीबन 1800 साल के इतिहास को लिए खड़ा है और यह राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग है। जैसलमेर के भाटी राजा भूपत सिंह ने भटनेर दुर्ग का निर्माण 298 ईसा में करवाया था। इस दुर्ग का वास्तुकार क्या था? यहाँ पर एक वीरान भूमि तथा घने जंगल में घग्घर नदी के किनारे इस दुर्ग का निर्माण करवाया, जो आज हनुमानगढ़ के मुकुट के रूप में जाना जाता है। भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशों आक्रमण हुए। 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने जैसलमेर के भाटी शासकों को पराजित कर इसे अपने कब्जे में ले लिया था। बताया जाता है कि इस भटनेर दुर्ग में हनुमान जी को बड़ा महत्व दिया गया है। सूरत सिंह ने जिस दिन भाटियों को पराजित किया वह मंगलवार का दिन था, इस कारण इस शहर को भी हनुमानगढ़ का नाम दिया गया। राजस्थान का सबसे पहला किला भटनेर का किला है। यह सबसे प्राचीन किला है। भारत पर जितने भी बाहरी आक्रमण हुए वे सभी भटनेर के मार्ग से गुजरे। यही वजह है कि तैमूर, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक और राठौर आदि ने इस पर शासन किया। तैमूर ने अपनी जीवनी तुजुके तैमूरी में भटनेर को भारत का सबसे मजबूत दुर्ग बताया था। तैमूर लंग ने 1398 में भटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय भटनेर का शासक दुलचंद भाटी था। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुके तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। 1398 में भयाक्रांत आक्रमणकारी तैमूर लंग ने आक्रमण किया। इससे दुर्ग के शासक दुलचंद भाटी युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और महिलाओं ने जौहर किया था। यह एक अनोखा जौहर था जिसमें हिंदू स्त्रियों के साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जौहर किया था। भारत में सबसे बड़ा कत्लेआम इसी दुर्ग में तैमूर लंग के आक्रमण के समय ही हुआ था। घग्घर नदी के मुहाने पर हनुमानगढ़ में अवस्थित भटनेर का किला मरुस्थल से घिरा होने के कारण धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका सामरिक महत्व भी था। जनश्रुति के अनुसार इस किले का निर्माण भाटी राजा भूपत ने 3री शताब्दी के अंतिम चरण में करवाया था। यह किला 52 बीघा जमीन पर विस्तृत है। इसमें 52 विशाल बुर्ज हैं। किले का निर्माण कच्ची ईंटों और चूने से हुआ है। किले में हनुमान जी के एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। इसके अलावा भटनेर दुर्ग में गोरखनाथ मंदिर भी है, जिसका निर्माण राव ठाकुर री राठौड़ के पुत्र बाघा ने करवाया। महमूद गजनवी ने 1001 में भटनेर पर अधिकार कर लिया था। बलबन के शासनकाल में शेरखां यहां का हाकिम था, जिसने यही से मंगोल आक्रमणकारियों का प्रतिशोध किया। शेर खां की कब्र आज भी किले के भीतर विद्यमान है। 1398 में तैमूर ने भटनेर पर आक्रमण कर लूटमार मचाई। 1527 में पहली बार राव जैतसी ने किले पर राठौर आधिपत्य स्थापित किया। हुमायूं के भाई कामराज के आक्रमण के समय राव खेतसी ने दुर्ग की रक्षार्थ अप्रतिम वीरता दिखाई और वीरगति को प्राप्त हुआ। 1549 में भटनेर पर राठौर ठाकुर सी ने अधिकार कर लिया था। 1570 में अकबर ने भटनेर पर अधिकार कर लिया, लेकिन ठाकुर सी के पुत्र बाघा की सेवा से प्रसन्न होकर भटनेर उसको सौंप दिया। तत्पश्चात यह किला बीकानेर के शासकों के अधिकार में रहा। भटनेर को लेकर भाटियों और जोहियों के मध्य संघर्ष चला और किले के स्वामित्व में परिवर्तन होता रहा। भटनेर को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। यह एक पर्यटन स्थल है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं। यदि आप भटनेर फोर्ट की यात्रा करना चाहते हैं तो हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।